क्या आपको पता है ताश के पत्तों में एक ऐसा भी राजा होता है जिसकी मूंछ नहीं होती। दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां की ट्रैफिक लाइट में ग्रीन नहीं ब्लू कलर होता है। कौन है ये राजा, कौन सा है ये देश और ऐसे ही बेहद विचित्र रोचक तत्वों के बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। वी नो कि आपका माइंड बहुत क्यूरियस है, इसीलिए बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में चार राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कि आप में से कम लोगों को पता होगी कि इनमें से तीन राजाओं की तो मूंछ होती है लेकिन एक की नहीं होती, और उस राजा का नाम किंग्स ऑफ हार्ट है। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में तो इस राजा की भी मूंछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूंछें बनाना भूल गए और तब से किंग्स ऑफ हार्ट बिना मूंछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, कार्ड्स में तो तीन राजाओं की ही मूंछें होती है। कई बार हम पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं पर वो कहते हैं यहाँ पैसे का पेड़ थोड़ी लगा है। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी जगह है, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। शायद आप में से कुछ लोगों को विश्वास ना हो पर सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो प्लेनेट है जहाँ के वातावरण में बहुत कार्बन मौजूद है, और जब एटमॉस्फेयर में बदलाव से बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाते जाता है जब तक कि वह डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहां हीरो की बारिश होने लगती है। क्या कोई इतना लकी हो सकता है एटम बॉम्ब के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं दो दो बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के ट्सुमो यामागुची एक ऐसे ही भाग्य शाली व्यक्ति है। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पे हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बॉम्ब गिरा दिया। आपको हैरानी होगी कि यामागुची के चेहरे और हाथ झूल से गए पर लकीली वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां पर भी एटम बॉम्ब गिरा दिया। इस अटैक में उनका घर बर्बाद हो गया पर सौभाग्य से वागा चुकी और उनका परिवार ऐसे सुरक्षित जगह पर मौजूद था कि सबके सब बच गए। कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2 से 4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो भारी होता जाता है। रोड पर चलते वक्त आप ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान तो जरूर रखते होंगे। आप में से शायद 90% लोगों को तो मालूम ही होगा कि रेड पर रुकना, येलो पर रेडी होना और ग्रीन पर चलना होता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रेड और येलो लाइट तो दिखे लेकिन ग्रीन गायब हो? जी हाँ दोस्तों, जापान की ट्रैफिक लाइट्स में आपको ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट दिखाई देगी। दरअसल सैकड़ों साल पहले जापानी लैंग्वेज में सिर्फ ब्लैक, व्हाइट, रेड और ब्लू कलर के लिए ही नाम होते थे, और ग्रीन के लिए भी लोग ब्लू ही बोलते थे, इसीलिए वहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट प्रचलन में आ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में।